पटना सिटी में पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन अपराधी कहीं ना कहीं फिर सिर उठाने लगते हैं और दे देते हैं वारदात को अंजाम। पटना सिटी में पुलिस ने जहां अपराधियों की गिरफ्तारी की, तो वहीं अपराधियों ने छोटू नाम के एक शख्स की गोली मारकर भी हत्या कर दी। अपराधियों ने छोटू नामक शख्स की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पुलिस और ग्रामीणों में हुई झड़प। पुलिस और डीएसपी की गाड़ी पर किया पथराव। पटना सिटी के खुशरूपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर इलाके में 20 साल के छोटू पासवान को घर से बुलाकर उसके सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गोली की आवाज सुन और हत्या की इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई। छोटू गोली लगने से खून से लथपथ वहीं गिर पड़ा। परिजन छोटू को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर छोटू की मौत के बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए। हत्या की सूचना मिलते ही फतुहा डीएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हत्या मामले में कुछ युवकों को पकड़ा भी, लेकिन ग्रामीणों ने डीएसपी की गाड़ी और पुलिस बल पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला उग्र होते देख प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी। ज्यादा ग्रामीणों को इकट्ठा होते देख पुलिस वालों को पीछे ही लौटना पड़ा। वहीं दूसरे मामले में पटना सिटी पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए 4 संदिग्ध। संदिग्धों के पास से नशे का सामान और पिस्टल बरामद। संदिग्धों में पंजाब पुलिस का जवान भी शामिल। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में स्थित पटना साहिब तक श्री हरमिंदर से पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्ध के पास से एक पिस्टल और नशे का सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तार संदिग्धों में एक पंजाब पुलिस का बचिंदर वीर सिंह जवान भी शामिल है। क्या पता किस चीज के लिए किया गया? आपके पास पिस्टल बरामद हुआ है? पिस्टल जी? हाँ जी। कहाँ का था, कैसे आपके पास आया? वो जो पिस्टल मेरा नहीं था, तो वो किसी और लड़के का था। वो पिस्टल कहाँ छुपा के रखे थे आप? कौन पिस्टल को? वो उसी कमरे में पड़ा था, छुपाना कहेगा उसको? शौचालय के नीचे छुपाया हुआ था। आपने सभी देखा? बिल्कुल। पिस्टल आपका लाइसेंसी था? लाइसेंसी था। यहाँ किस लिए आए थे? बिहार घूमने आए थे, पिस्टल लेकर। हाँ, मैंने सोचा यहाँ पे डाकू लोग बहुत घूमते हैं, पिस्टल लेके चलते हैं। और क्या जॉब करते हैं? हम पुलिस में जॉब करते हैं। क्या है पोस्ट? कांस्टेबल हैं। किस गवर्नमेंट में? हाँ, किस गवर्नमेंट में? पंजाब गवर्नमेंट। सभी तक श्री हरमिंदर के जौहरी निवास के कमरा नंबर 10 में ठहरे थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी संदिग्ध एक जगह इकट्ठा होकर कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। पुलिस सभी संदिग्धों से कड़ी पूछताछ कर रही है। अभी गिरफ्तारी की बात कहना नहीं, हम लोगों ने संदिग्ध रूप से उनको पूछताछ के लिए लाए हैं और कुछ उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी, इसीलिए पूछताछ। पिस्टल भी बरामद किया गया है सर? अभी इस विषय पे कुछ भी बताना जल्दबाजी है। पिस्टल है, बरामदगी है या जो कुछ है आपको डिटेल में कुछ समय के बाद अभी बता दिया जाएगा। नशीला पदार्थ और जैसे हमने आपको बताया ना, इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं और अपनी कुछ बातों को ये पलट रहे हैं बार बार, इसलिए कंक्रीट रूप से निश्चित रूप से हम आपको अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। कितने लोग? 4 लोग हैं जो पूछताछ के लिए आए हैं। क्या बरामद हुआ? बरामदगी अभी अब आपको कुछ समय के बाद हम लोग बता देंगे। नशीला पदार्थ भी सुनने में आया कि अभी कुछ भी बताना, क्योंकि अनुसंधान का मामला है और ये बड़ी चीज भी हो सकती है, छोटी चीज भी हो सकती है। तो जहां पुलिस को एक मामले में कामयाबी मिली, तो वहीं दूसरे मामले में पुलिस को चुनौती भी मिली है। देखना होगा पुलिस हत्या के इस मामले का कब तक खुलासा कर पाती है। गुनाह के लिए पटना सिटी से रजनीश की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।